हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का फिर से सिविल मेंस पर ऋषभ सर के साथ। आज का हमारा डिस्कशन होगा बाउंड्री वॉल हॉर्स टेबल के लिए, जो हमारा घोड़ों का अस्तबल होता है उसके लिए हम सबसे पहले बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे और किस तरह से बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट होता है आपका सर्वे करना है, एंड देन आपको एक्सकेवेट कर देना है। एक्सकेवेशन हो चुकी है, 1 मीटर डेप्थ है। 1 मीटर डेप्थ के बाद आपको करना ये है कि आपको सोयल या फिर आपकी जो सैंड है, सैंडी सोयल है आपके पास या सैंड है, उसके ऊपर पीसीसी की लेयर डाल देनी है। पीसीसी की लेयर जो होगी, आप देख रहे हैं पीसीसी की लेयर है, इसकी जो हाइट होगी 4 इंच ही होगी, एंड जो इसकी विड्थ है, अब इसकी विड्थ आपको रखनी है जो आपके फाउंडेशन कॉलम है उससे 50 mm एक्स्ट्रा चारों तरफ से। अब हमारी जो पीसीसी होती है वो हेल्प करती है फुटिंग को सपोर्ट देने में, ताकि हमारी जो फुटिंग की हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये आपने जो देखा, ये हमारे पास था प्लाईवुड है, जिससे हमने शटरिंग करी है फुटिंग की। जो फुटिंग कॉलम हो रहेगा इसकी हमने प्लाईवुड से शटरिंग कर दी है, एंड जो हमने इसके अंदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट पोर किया है हमारी फुटिंग के अंदर, ये M20 है। आप सभी को इसका रेशो पता ही है, M20 कंक्रीट होता है हमारा, इसको पोर कर दिया है। एंड सेटलिंग टाइम हो जाता है अराउंड 8 to 10 आवर्स में सेटल हो जाता है। इसके बाद आप अपनी शटरिंग हटा सकते हैं। आपको मायरा प्लाईवुड होती है, उससे आप शटरिंग कर सकते हैं। एंड जो कॉलम का साइज़ भी मैं आपको बताऊंगा, और जो स्टीरअप यूज़ किया है इसका भी साइज़ मैं आपको बताऊंगा, और जो स्टीरअप और कॉलम का साइज़ प्लस स्पेसिंग है वो भी मैं आपको बता दूंगा, स्टील का साइज़ प्लस कॉलम का जो साइज़ है। अब गाइज हम पहुंच गए हैं कॉर्नर पे, बाउंड्री वॉल के कॉर्नर पे। तो आप देख रहे हैं जो कॉर्नर पे जो फुटिंग है उसका कॉलम जो है वो बिल्कुल एज पे है, हमने सेंटर पे नहीं डाला, इसको हमने एज पे डाल दिया है। एंड आगे अगेन, सो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। जो हमने एक्सकेवेटेड एरिया किया है उसके ऊपर हमने पीसीसी डाली है, जो इसके ऊपर ये मिट्टी गिर गई है, तो जब आप इसके ऊपर सीमेंट डालेंगे तो आपको ये मिट्टी अच्छे से वॉश कर लेनी है वाटर से। नाउ गाइज, अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो अपना स्टील यूज़ किया है इसके अंदर, हमने 12 mm का स्टील यूज़ किया है, एंड हमने इसके अंदर 4 नोज़ यूज़ करे हैं। एंड जो हमारा स्टीरअप है वो हमने 8 mm का स्टीरअप यूज़ किया है, जो 5 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगा। अब आप ये एल शेप देख रहे हैं, ये कॉलम अपना फुटिंग कॉलम है, तो इसका हमने लेग एल शेप में 90 डिग्री में बेंड कर दिया है, जो कि हमारा जाल होगा उसके ऊपर ये प्लेस किया जाएगा। बिकॉज़ जो हमारी बाउंड्री ब्रिक वर्क रहेगी, बाउंड्री वॉल जो हमारे पास इस वीडियो में है ब्रिक वर्क वाली है, उसके लिए जो सपोर्ट का काम करेगी कॉर्नर टू कॉर्नर। अभी आप देख रहे हैं ये जाल है हमारा, जो हमने फुटिंग का जाल जो होता है वो हमने प्लेस कर दिए हैं हर जगह। ये देखिए अपनी हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन है, काफ़ी बड़ा एरिया है हमारा, क्योंकि जैसा जनरल नॉलेज में हमारे होता है कि हॉर्स को काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है, सिंगल हॉर्स को भी काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है। तो ये अब हमारे पास है फुटिंग का जाल, या आप इसको फुटिंग का स्लैब बोल सकते हैं। 1 मीटर बाय 1 मीटर का है ये। एंड अभी इसके अंदर हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आपको, इसके नीचे क्लियर कवर लगाया जा रहा है। क्लियर कवर लगा देंगे हम इसको, 50 mm हम इसका क्लियर कवर रखेंगे फुटिंग का, जो हमारे को स्टैंडर्ड साइज़ होता है हमारे पास गाइज, हमें पता है। अब इसके ऊपर हम ये अपना कॉलम प्लेस कर देंगे, ये बिल्कुल हल्का कॉलम है। अभी मैं इसको कॉलम का साइज़ भी बता देता हूँ आपको, 230 mm × 230 mm का ये कॉलम है। इस कॉलम को इसके अंदर प्लेस कर देंगे हम, और अच्छे से बाइंडिंग वायर की हेल्प से इसके लेग्स हम इसकी स्लैब पे या जाल कहते हैं जो भी, उसके ऊपर प्लेस करके अच्छे से बाइंडिंग वायर से बांध देंगे। एंड आपको जो कॉलम को सपोर्ट देना है वो आप रस्सी की हेल्प से भी सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर स्टील का ही यूज़ करके, स्टील रोड्स का ही यूज़ करके आप इसको सपोर्ट देकर इजीली प्लेस कर सकते हैं इसके जगह पे। अब ये सब हो जाता है तो हमारे पास आता है इसके अंदर कंक्रीट पोर करना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। M20 का कंक्रीट हम पोर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ बाइंडिंग वायर, ये अपने एल शेप कॉलम जो लेग्स होते हैं कॉलम के, वो फुटिंग के जाल पर बांध रहे हैं,
तो गाइस मेन चीज़ जो होती है वो फिजिक प्रैक्टिकली होता है साइट पे, और मेरी हर वीडियो में आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। मेरी कोई ऐसी कोई भी वीडियो नहीं होगी जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल ना बताया जाए। थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो मैं बताता बताता हूँ, प्रैक्टिकल तो मेरा सबसे मेन मोटिव होता है प्रैक्टिकल पे। अगर आपने कॉलेज में स्कूल में प्रैक्टिकल कर लिए आपके प्रैक्टिकल क्लासेस में, तो आपको कोई भी अपनी लाइफ के अंदर आपको मात नहीं दे सकता है, बिकॉज प्रैक्टिकल इज़ मस्ट। क्योंकि आप साइट पे जाएंगे, आपने थ्योरी पढ़ रखी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो एक जो मेन मैसेज है, यहाँ तक कि बेलदार और कूली भी आपको बता देंगे ये काम ऐसे होता है और आपको नहीं पता होगा। तो मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि इसमें हर पॉइंट बिल्कुल ईजिली बताया हुआ है मैंने कि ये चीज़ ऐसे प्रैक्टिकली की जाएगी। एंड जैसा मैंने बताया था, विद द हेल्प ऑफ स्टील बार्स आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए सपोर्ट कर दे रहे हैं इसको, और बाइंडिंग वायर से ये सपोर्ट वाले स्टील रोड बांध दिए जाएंगे। एंड सब क्लियर कवर का एक स्टैंडर्ड होता है फुटिंग का, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया 50 mm होता है। मैंने अपनी कॉलम वाली वीडियो में कॉलम के लिए भी स्टैंडर्ड साइज़ बता रखा है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और PCC के लिए भी मैंने बताया हुआ है कितनी थिकनेस होती है, उसके लिए भी एक अलग वीडियो है, वो भी ज़रूर देखना आप। हर चीज़ के लिए हमारे ब्रिक वर्क में कितना मोर्टार यूज़ होगा, कितने थिकनेस का मोर्टार यूज़ होगा, वो भी मैंने बताया हुआ है। और ब्रिक की क्वालिटी चेक की भी एक वीडियो है मेरी, एंड ब्रिक की काउंटिंग में चट्टे बना देते हैं, जो आपने इस वीडियो में भी देखे होंगे चट्टे बने हुए हैं, इसको आपको साइट पे कैसे काउंट करना है वो भी एक मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी ज़रूर देखना, बिकॉज प्रैक्टिकल से ही सब कुछ है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्वालिटी चेक कैसे की जाएगी, तो क्वालिटी चेक की भी एक वीडियो बना रखी है, उसको भी ज़रूर देखें। अब सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉलम कैसे प्लेस होगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि ये वैसे ही क्लियर कवर लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर जाल रख रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो अपनी कॉलम की पोजीशन है, अब ये बाउंड्री पे है तो ये एज पे लगा देंगे, कॉर्नर आ जाएगा तो एज पे चला जाएगा। अब ये बाउंड्री वॉल है, कॉर्नर पे है, लेकिन सेंटर कॉर्नर पे है लेकिन कॉर्नर पे नहीं है जहाँ पे हमारी 90 डिग्री बनती है, तो ये जाल के